चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय यार मोहित। एक रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया, इवन ट्रायंगल भी था, तो जरा वो देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह बहुत पूछा जाता है। इवन मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा प्लस क्यू हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया प्लस क्यू, और ये भी हमारा प्लस क्यू, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है सी है। इवन हम बात करें सेंटर की, ओके आ गया सेंटर, मान लो हमारा हो गया ओ। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इस सेंटर पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू। तो हमने कहा ठीक है, तो मान के सबसे पहले अपन चलते हैं कि यार अगर सब जगह प्लस है, सब जगह क्या है प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू क्या होगी माइनस क्यू। ये फिक्स है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जहां प्लस है वहां क्या होगा माइनस, फिक्स रखना है यार। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह एल एन कोटा जहां देखो वहां तो ये चीज मिलेगी, तुम देखोगे मतलब कि आईआईटी की सीट में भी क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, समझ रहे हो बात। तो हमने कहा चलो ठीक है, पर मानते हैं तो पॉइंट ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मान लो ये डिस्टेंस क्या हो गई ये भी डिस्टेंस क्या हो गई ए, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गई ए। तो जरा देखना, मैंने इसमें गोल मारा, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, किसी भी चार्ज पे अपन गोल मार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा देखो ये वाला इसको क्या करेगा रिपल, तो हमने कह दिया एफ1। अच्छा ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपल, हमने कह दिया एफ2। अच्छा तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा, तो सीधी सी बात है ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो हमने कहा इसका रिजल्टेंट एक एफ निकल आएगा, हमने कहा ठीक है। अच्छा अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस वाले चार्ज को ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा अट्रैक्ट। तो मैंने कह दिया ये वाला हो गया एफ डैश, क्या हो गया एफ डैश। तो अपन वैल्यू निकालते हैं, तो जरा देखो एफ1 बराबर एक्चुअल में हमारा क्या होगा एफ2, बिकॉज क्योंकि जितना चार्ज है उतनी डिस्टेंस, जितना चार्ज उतनी क्या है डिस्टेंस। मैंने एक पी मान लिया नोटिफिकेशन, क्या मान लिया पी, तो हमने कहा एफ निकाला। तो जरा देखो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर, और हमारा क्या हो गया cos 60। इवन देखा जाए तो एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 चला गया, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 पी। बात को समझ, इस पी की मुझे वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू जरा देखना क्या लिख रही। तो हमने कहा था एफ पर बराबर एफ टू होता है, तो मान लो एफ पर की वैल्यू में निकाल, तो जरा देखना पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड, डिस्टेंस कितनी है ए स्क्वायर, हो गया। तो जो अभी एफ की वैल्यू जो फाइनल हमारी आएगी अंडर रूट मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। देखो ये हो गया एफ की वैल्यू, जब एफ की वैल्यू हमें पता चल गई तो ये मैंने, अब हमें निकालना है एफ डैश, क्या निकालना है एफ डैश। तो देखो ये देखो एफ डैश बराबर हमने कहा वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा था डेफिनेटली यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, तो देखो माइनस क्यू मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस क्यू। जो डिस्टेंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा था ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो होता है ए डिवाइड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर हमने कहा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, किसमें है सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में, तो सीधी सी बात है कि हमारा क्या होना चाहिए फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम है बराबर है तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। तो बात को समझना, तो हमारा होना चाहिए एफ बराबर क्या होना चाहिए एफ डैश। तो देखो एफ की मैं वैल्यू लिख रहा हूं रूट 3 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बराबर, फिर ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा माइनस क्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा ए डिवाइड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। जरा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, क्यू से हमारा क्या जाएगा एक क्यू जाएगा, ओके। अब जरा देखना ए स्क्वायर से ये क्या चला जाएगा ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ पे रूट 3 स्क्वायर होगा तो 3 और ऊपर क्या जाएगा 3, तो यहाँ पे देखो बचा रूट 3 मल्टीप्लाई कुछ नहीं बचा मल्टीप्लाई कहाँ बचा ओके एक क्यू बच गई। अच्छा यहाँ क्या बचा माइनस क्यू, अच्छा यहाँ पे क्या बचा रूट 3 बराबर रूट 3 स्क्वायर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। तो हमने कहा अगर मैं शिफ्ट करूँ तो जरा देखना Q की वैल्यू मुझे निकालनी है तो Q साइन माइनस हो जाएगा रूट 3, इस 3 को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 से रूट 3 कट गया तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस का Q डिवाइड बाई रूट 3। इस बार ये पता है नेवी में भी कई नेवी एनडीए हर जगह, इस बार नेवी में भी पूछा गया था, समझ गया था एड कहते नहीं आईआईटी एनडीए पता है हर जगह तुम्हारा एआईपीएमटी हर जगह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।